हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को घटना चक्र के पॉइंटर में फिर से स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पर डिस्कशन हो चुका है, किस पे? भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में। और ये जो 3rd लेक्चर है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में है, और जिसमें पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो इसका भी एक और लेक्चर होगा, यानी 2 लेक्चर बनाया जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु जो होता है 632 ईस्वी में होता है। मक्का इनसे संबंधित है, इसलिए ये ज़्यादा विख्यात है। और दूसरी बात है कि ये मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल भी है, तो ये सऊदी अरब में है। हिंदू की जो हिंद है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है वो अरबों के द्वारा हुआ है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 1711 ईस्वी में हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 1712 ईस्वी में की गई थी। और भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, वो था बिदाधर। ठीक है, चंदेल शासक महमूद गजनवी से बिदाधर कभी पराजित नहीं हुआ। कथन ए में कह रहे हैं महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। और आर में कह रहा है कि भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ऐसा नहीं था। ये धन के लिए ये जो था भारत पर आक्रमण बार बार करता था, तो धन के उद्देश्य से आक्रमण होता था इसके द्वारा। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो थे वो उतबी थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो संबंधित है वो महमूद गजनवी के दरबार से है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो प्रसिद्ध इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान है वो अलबुर्नी है। अलबुर्नी भारत में आए थे 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अलबुर्नी के संबंध में जो कथन सत्य है वो यह है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं थे। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत के विद्वान थे, वह त्रिकोणमितीय का विशेषज्ञ भी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो थे वो अलबुर्नी थे। एक तरफ संस्कृत मुदल्ले के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत करने वाले जो शासक थे वो महमूद गजनवी थे। यानी एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के इन्होंने ही, किसने? महमूद गजनवी ने ही शुरू किया था। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था वह था सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित जो किया था वो भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में जो हुआ था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो कौन सा युद्ध था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। भारत पर आक्रमण करने वाले जो व्यक्ति का सही क्रम है वह पहला है महमूद गजनवी का, फिर मोहम्मद गौरी, इसके बाद चंगेज खान आते हैं, फिर तैमूर होते हैं। और नेक्स्ट है वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है वो किसका सिक्का है? तो मोहम्मद गौरी ने इसे प्रचलित किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? तो बख्तियार खिलजी का दास था। तो मोहम्मद गौरी जो है बंगाल और बिहार पर विजय किया था वो बख्तियार खिलजी का एक दास था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है जिसमें गुलाम वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में जो योगदान दिया गया वो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु चौगाना की जो है खेल खेलते वक्त अश्व से यानी घोड़े से गिर जाने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया वो भी तो इल्तुतमिश ही था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ गया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के ही काल में। और जो तेमुचिन था वो चंगेज खान का मूल नाम था। तेमुचिन जो नाम था वो चंगेज खान का ही मूल नाम है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। रजिया बेग को सताच्युत करने में जो हाथ है वो तुर्कों का है। दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, वह बलबन के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है कथन दिया गया है, कथन ए में कह रहा है बलबन ने अपने शासक को शासन को शक्तिशाली बनाना और सारी सात सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेना इसका मुख्य उद्देश्य था, और कारण बी वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो देखिए दोनों सही है और आर ए की समुचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है अपनी शक्ति को समेकित करने में करने के बाद बलबन ने क्या धारण कर ली थी, तो जिले इलाही की उपाधि कर ली थी, यह उपाधि थी जो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद ये उपाधि उसने बलबन ने जो है धारण किया था। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का जो आरंभ करवाया था वो बलबन ने ही करवाया था। बलबन के संदर्भ में जो कथन है, उसने नियामत एक खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसने तुर्क ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूक खा की उपाधि दी थी। इसके बाद गढ़मुतेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, किसने कहा है, तो बलबन ने। इसके बाद खिलजी वंश आता है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने कथन जिस सुल्तान के लिए कहा है वह अलाउद्दीन खिलजी है। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उल्लेमाओं ने इसका विरोध किया था, वो कौन थे, किसने नया धर्म चलाना चाहता था, मतलब कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे नया धर्म चलाना चाहते थे लेकिन उल्लेमाओं ने इनके धर्म को जो था विरोध किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की मनोपाधि जो थी धारण की थी वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जो जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई हुई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई वो कौन था, जफर खां था। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम है, तो राणा रतन सिंह है। कथन ए में कह रहे हैं अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का अभियान थे, कारण आर या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो देखिए ये तो सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसके काल में खालिस्ता भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी वो किसके काल में हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जो सही कथन है उसने यह है कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी से वसूली की, और सेकंड उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, ये उसके बारे में उस समय के जो है सही कथन है। कथन ए में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ठीक है, और कारण आर में वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसे बाजार सुधार लागू किया था, तो वह कौन सा सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। मूल नियंत्रण पद्धति को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। घरी और गृह कर का जो उल्लेख है और जो मतलब लगाया था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। इसके बाद तुगलक वंश आता है, तो देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना वह गाजी मलिक था। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था वो तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र गणित आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे कौन थे, तो मुहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट है, दीवान ए अमीर ए कोही का नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वो कौन सा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो ये सुल्तान मतलब ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जो दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग का शुरुआत किया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था, दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलन किया था।
कथन ए में कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इबन बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, और कारण आर कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, फिर कथन दिया गया है, कथन ए में कह रहे मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, और कारण आर कह रहे मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आर आर सही व्याख्या है एक की। ठीक है, और मूर देश का यात्री इबन बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण किसने दिया था? इबन बतूता ने दिया था। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला पहला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो पहला दिल्ली का जो सुल्तान था जो होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, वह मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में ऐसा बात कहा था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया, मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, वो कौन था? फिरोजा तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को सहतात रोजगार कार्यालय की जो स्थापना की थी वो फिरोजा तुगलक ने ही की थी। दिल्ली का सुल्तान जो दक्षिण दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग भी स्थापना की थी, वो विभाग था दीवान ए खैरात। किसने किया था? तो फिरोजा तुगलक ने ही किया था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वो फिरोजा तुगलक के ही दरबार में थे, सबसे ज्यादा मतलब गुलाम रखे मतलब इसके दरबार में थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में जो कथन सही है वो पहला ये है कि बलबन ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया, अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा, फिरोज तुगलक के गुलामों को गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का जो है एक अलग भाग स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोजा तुगलक ने किया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में यानी दिल्ली का वो सुल्तान था जो भारत में सबसे ज्यादा नहरों का जल बिछाया था वो फिरोजा तुगलक ही था। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोजा तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था वो फिरोजा तुगलक ही था। फिरोजा तुगलक ने मतलब फिरोजा तुगलक जो थे वह सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था, मतलब उपाय किया था। फिरोजा तुगलक ने ही फलों की गुणवत्ता के सुधार के लिए उपाय किए थे। टोपरा और मेरा से दो अशोक स्तंभ लेख जो है दिल्ली लाया गया था फिरोजा तुगलक के काल में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, मतलब किस उद्देश्य से की थी? कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे से विचारों को सही जो है बेहतर हो सके। ये फिरोजा तुगलक ने ऐसा किया था, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि दो संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचार की जो है समझ जो है बेहतर करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक दूसरे की समझ को जो है निखारेंगे, इसलिए ऐसा उसने सोचकर अनुवाद विभाग का स्थापना किया था फिरोजा तुगलक ने। राज के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो फिरोजा तुगलक था। फिरोजा तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम जो शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था वो नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है, तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ था सयद वंश का। तो अब आता है लोदी वंश। तो इस वंश में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है देख लेते हैं। खिलजी तुगलक सैयद लोदी शासकों में से अफगान मूल के कौन से थे? तो लोदी शासक जो थे वो अफगान मूल के थे। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का जो सही क्रम है वो पहला है बलूल खान लोदी का, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1451 से 1489 यानी 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी है 1489 से 1517 तक, और इब्राहिम लोदी है 1517 से 1526 तक। नेक्स्ट है, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को कब परास्त किया था? तो खातोली के युद्ध में किया था। ठीक है, वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? सिकंदर लोदी को। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को लिखने वाला सिकंदर लोदी था। अन्य को ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को ही जाना जाता है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का जो सही क्रम है वो पहला गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश जो है दिल्ली पर शासन किए थे।
बलबन इल्तुतमिस कुतुबुद्दीन ऐबक इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था वो था इब्राहिम लोदी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुका के दो भाइयों ने किया था। अपनी मदुरा विजय की कृति में अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाला कवित्री जो है वो गंगा देवी है। विजयनगर वह पहला शासक जिसने बामनियों से गोवा को छीन लिया था वो हरिहर सेकंड था। नेक्स्ट नरसी सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राजसिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राजसिंहासन छीन लिया था और वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युता देव राय थे। ठीक है, नेक्स्ट है विजय राज के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वो कौन सा था, तो कुली कुतुब शाह थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे जिन्हें हम आर तेलुगु कवि भी कहते हैं। अष्ट जो थे दिग्गज कहते हैं आर तेलुगु कवि की, तो इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, आर तेलुगु कवि रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय राजेंद्र चोल हरिहर और बुक्का में से वह जिसमें आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो इनमें से किसको आंध्र भोज कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था, किसका था, तो तेलुगु साहित्य का था। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर नगर की जो है कृष्णदेव राय ने स्थापना किया था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो कौन थे, तो कृष्णदेव राय। और इन्हीं के शासन काल में जो था विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है निर्मित हुआ था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराज सेकेंड के राजकाल में। निकोलो कोंटी था इटली का एक याते जिसने देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देवी जो नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, किसने दिया था, तो विजयनगर राजाओं का जो था इन्हें आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट है 1565 में प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था किसका हुआ था, तो तालीकोट का युद्ध हुआ था। तालीकोट का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित जो सही कथन है वो ये है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। नेक्स्ट वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी की प्रतिनिधित्व करते वो कौन सी है, तो हम्पी है। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वो था बुक्का प्रथम। और नेक्स्ट जो है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसने जिसके 56 जो है तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वो अवस्थित है हम्पी में। नेक्स्ट है जो दिल्ली सल्तनत प्रशासन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इतिहासकार बन्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम और मतलब जो था अनुसरण नहीं करती थी, तो अधिकतर आबादी जो था इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए इन्होंने जो था दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहते हुए भी भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। नेक्स्ट है सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर और सुल्तान थे वो किस वंश के थे, तो तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो दीवान ए बंदगान का जो संबंध फिरोजा तुगलक से है। दीवान ए मुस्तक राज जो संबंध रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी रखते हैं। दीवान ए कोही का संबंध मुहम्मद तुगलक के साथ है। दीवान ए अर्ज जो है बलबन संबंधित है। नेक्स्ट दीवान ए मुस्तक राज का संबंध जो है राजस्व विभाग से है, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवान ए अमीर कोही का मतलब होता है कृषि विभाग जो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खराज जिसे हम दान विभाग भी कहते हैं और ये फिरोज शाह तुगलक के संबंध है, मतलब इसके समय में ये स्थापना हुआ था। और दीवान ए रियासत जिसका बाजार नियंत्रण विभाग भी कहते हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित रखता है ये रियासत, मतलब ये जो स्थापना जो किया गया था। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान ए रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवान ए इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान ए वजारत ये वित्तीय मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट है वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो कौन सा वंश था, तो तुगलक राजवंश था। भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज ओस्र और मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की तो इल्तुतमिश था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो होते थे वो चौधरी होते थे। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पे। जवाबित का संबंध था राज कानून से।
हदीस एक इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है इक्तदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो जो प्रमुख मुद्राएं थी वो जीतल और टंका था। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था अल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल जो थे वो चांदी और तांबा के थे। बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक में से हुआ, जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की पांचवीं मंजिल का निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो बलबन का मकबरा है। स्थापत्य और नगरों के निर्माण का जो सही क्रम है वो कुतुब मीनार, इसके बाद तुगलकाबाद का निर्माण हुआ था, इसके बाद गोदी गार्डन, इसके बाद फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे वो अभिकवि थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सुमेलित है। तो देखिए दिल्ली का संबंध जो है कुबत उल इस्लाम से है, और जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जो है जहाज महल है, और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। नेक्स्ट वस्तुशैली और संबंध राजवंश से आपको करने हैं। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो लगी है ये किस राजवंश से संबंधित है, तो खिलजी से। अष्टभुजी मकबरों का जो उदय हुआ था वो तुगलक काल में हुआ था। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग जो हुआ है वो विजयनगर के समय में हुआ है, विजयनगर में हुआ है आप देख सकते हैं। झुकी हुई दीवारों के साथ जो विशाल मुख्य द्वार थे वो सरकी के राजवंश के समय में जो हुआ है, मतलब इसका जो विशेषता है, सरकी के समय में झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार की स्थापना किया गया था। दिल्ली सल्तनत साहित्य के बारे में देख लेते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक अलबुर्नी है। तृतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में, और स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के सात सुल्तानों का शासनकाल दो लोगों ने देखा था, एक अमीर खुसरो ने, दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के जो थे, मतलब प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो ही थे। अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जायसी कबीर अब्दुल रहीम खान एक खानखाना में से हुआ, जिन्हें हिंदी की मतलब खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विशेषज्ञ भी थे ये मतलब इन दोनों में ये प्रांगण थे, ये विद्वान थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। और भारत में कवाली से जानी जाने वाली जो संगीत शैली है इसका प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है। अरबी फारसी तुर्की और उर्दू भाषाओं में से वह भाषा जो दिल्ली सल्तनत ने संरक्षण दिया था, मैंने इसमें इस भाषाओं में से दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था वो था फारसी का। तो फारसी को दिल्ली सुल्तानों ने इसका संरक्षण किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। जियाउद्दीन बरनी का जो संबंध है तारीख है फिरोशाही से। हसन निजामी जो है ताजुल मासिर से। मिनहाज उस सिराज का जो मतलब कि तबकात ए नासरी का संबंध है मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी। और यहिया बिन अहमद का संबंध तारीख ए मुबारक शाही से है। नेक्स्ट जो है तारीख ए हिंद अलबुर्नी, तारीख है दिल्ली खुसरो को और रेला इबन बतूता को, और तबकात ए नासरी मिनहाज ये संबंध रखते हैं। बीड़ा ढोलक सारंगी सितार में से वह संगीतवाद जिसे हिंदू मुस्लिम गानवादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है वह सितार का। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। जयचंद्र गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान राणा कुंभा और मानसी में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है वह है राणा कुंभा। नेक्स्ट आपको मिलान करना है राणा कुंभा जो थे वो संगीतज्ञ थे, मतलब संगीत राज से संबंधित थे। इनका ग्रंथ है संगीत राज राणा कुंभा का।
और काशीनाथी शास्त्री, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तू भासी, इनका जो ग्रंथ है वो रागचंद्रिका है, पुंडरीक विठल का रागमाला है, कृष्णानंद व्यास का राग कल्पद्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत विविध, इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें पूरी दिल्ली सल्तनत के मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसने किया था, तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहरों का निर्माण करवाए थे, बलबन नरोज का शुरुआत किए थे, अलाउद्दीन खिलजी जो थे दीवान रियासत की स्थापना किया था, और जहांगीर जो थे इनके शासन मतलब जहांगीर के शासन काल में सर थॉमस रो आए थे। और यात्रियों को पधारने का जो सही कालक्रम है वो है, पहला अलबुर्नी आता है, इसके बाद इब्न बतूता आया था, इसके बाद ट्रेवेनियर आया था, इसके बाद मनुची आया था। दस्तार बंदान के कौन कहलाता है, उल्लेमा कहलाते हैं। शासकों का सही क्रम है, पहले रजिया सुल्तान, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद अकबर ने शासन किया था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, बहादुर शाह का जो संबंध है वो गुजरात से है, चांद बीबी का बीजापुर से, रजिया सुल्तान का दिल्ली से, बाज बहादुर का मालवा से है। घटनाओं का सही क्रम है, पहला कुतुब मीनार का निर्माण होता है, फिर क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है, इसके बाद कृष्णदेव राय का शासन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक जीवन मतलब यात्रा जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखना जिसमें आज कोई करीब 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की थी। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में हुआ है वो कौन है, इब्न बतूता के बारे में ये सारे जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, कृष्णदेव राय जो है कहलाते हैं अमुक्त माल्यद, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहर्षण, भोजदेव सम्रांगण सूत्रधार, और सोमेश्वर मानो सल्लास के मतलब के नाम उपनाम से जाने जाते हैं। सती प्रथा बाल विवाह जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में होती वो जौहर प्रथा था। मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी तथा सायण जैसे मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से हुआ जो जैन धर्म का अनुयायी था वो थे हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, कलिंग का 261 ईस्वी पूर्व, हल्दीघाटी का 1576 ईस्वी पूर्व, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट भी सुमेलित करना है आपको, तो अकबर आईने 10 साल के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने ही इस चीज का इनका संबंध आईने 10 साल से है। मोहम्मद तुगलक का संबंध प्रतीक मुद्रा से है, इल्तुतमिश का संबंध चलगामी अमीर से है, शेरशाह का संबंध सड़क ए आजम के नाम से, मतलब इनका संबंध इसी से है। ठीक है, तो शेरशाह सड़क ए आजम भी कहलाते हैं। उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय प्रशासन के राजवंश के बारे में देख लेते हैं। जौनपुर नगर स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर के सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो जैनुल आबेदीन है। जैनुल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सारकी और अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था वो थे जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज बौद्ध बौद्ध पगोडाओं के समान, मतलब पगोडाओं से साम सॉरी कह रहा है कि जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में जो शामिल है वो पहला बुर्ज है, इसमें और शामिल है बौद्ध पगोडाओं से समान और फारसी शैली। नेक्स्ट है मुनि सुंदर सूरी नाथा टिल्ला भट्ट, मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं थे वो थे मुनि जिन विजय सूरी। नेक्स्ट सुमिलित करना है मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र से, चंपक जिसका संबंध चंबा से, दुर्गर जम्मू से, कुलूत कुल्लू से जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन ने, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में यानी 14वीं सदी में। बहमनी की जो राजधानी थी प्रथम थी गुलबर्ग। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है पहला और दूसरा सूची के साथ, तादिल शाही का जो संबंध है बीजापुर से है, कुतुब शाही का गोलकुंडा से, निजाम शाही का अहमदनगर से, सारकी शाही का जौनपुर से है। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों में से हुआ जिसके उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी वो कौन था, इब्राहिम आदिल शाह थे।
अहमदनगर के निजामी शाही वंश का अंत हुआ था, सॉरी अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत इसी के मतलब कारण हुआ था। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, बाज बहादुर जो है मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से है, और यूसुफ आदिल शाह का संबंध बीजापुर से है। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, काकतीय का संबंध जो है वारांगल से, होयसल का संबंध द्वार समुद्र से, यादव का देवगिरी से, पांडे का मदुरा से। द्वार समुद्रम की राजधानी होयसल राजवंश की है, मतलब द्वार समुद्रम जो राजधानी है होयसल राजवंशों की है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलविड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हेलविड, और वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, वह है गोल गुंबद बीजापुर में। नेक्स्ट सुमेलित करना है स्मारक और शासक के बीच, तो द्वारा गुंबद जो है और सिकंदर लोदी के स्मारक है, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह के, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन के, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह के स्मारक है। गुजरी महल बनवाया था मानसी ने, दक्षिण भारत के पोलीगार थे, कौन थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट भक्ति और सूफी आंदोलन आता है, तो इसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।